हेलो दोस्तों, मित्र मिस्त्री के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, हम सोचते हैं कि आज का विकसित समाज ही इस धरती पर सभ्यता की परिभाषा है, लेकिन प्राचीन इतिहास बताता है कि इस धरती पर हमसे पहले भी कोई सभ्यताएं थी। इन खोई हुई सभ्यताओं की झलक हमें पौराणिक दंत कथाओं में और प्राचीन मंदिरों और स्मारकों से मिलती है, जो हमें कहती है कि तुमसे पहले हम इस धरती की सभ्यता थे। पर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपनी महान सभ्यता का परित्याग करना पड़ा? जहां उनका व्यापार, खेत खलिहान, घर और समाज पूर्ण परिभाषित था, ये सब अधूरे सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं। ऐसी ही कुछ महान सभ्यताएं हैं जिसका रहस्यपूर्ण ढंग से इस धरती से लुप्त हो जाना मानव जगत के लिए एक गहरा रहस्य बना हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी ही सबसे महान और पौराणिक सभ्यताओं में से एक है जो इस धरती से लुप्त हुई, जिसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस महान सभ्यता में तकरीबन 10 लाख लोग रहते थे, जिसका क्षेत्रफल आज के भारतवर्ष से बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धरती पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बौद्धिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली थी, जिसका निर्माण एक बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया था, जिसमें सड़कें, जल प्रणाली, बहुमंजिल इमारतें और आश्चर्यचकित कर देने वाली स्मारक, जो अपने आप में ही अपनी महानता दर्शाती थी, जो रहस्यमय ढंग से इस धरती से लुप्त हो गए। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये मानते हैं कि मौसम में आए भारी बदलाव के कारण उनको अपनी महान सभ्यता को त्याग करना पड़ा। दोस्तों, दूसरी महान सभ्यता जो लुप्त हुई, जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि ईस्टर आइलैंड के निवासी विशाल पत्थर से बनी मानव के सर की मूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जिसे आज के समय में मॉय स्टैचू कहा जाता है। यह विशालकाय मूर्तियां समुद्र तट पर सीधी प्रणाली में स्थापित की गई हैं, जो गर्व से उगते सूरज को देखती हैं। बिल्कुल दूसरी महान सभ्यताओं की तरह ईस्टर आइलैंड के लोग भी बहुत कुशल कारीगर थे। कई सौ साल के स्मारक बनाने और सामाजिक विकास के बाद कुछ अनजान वजह से वो इस धरती से लुप्त हो गए। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये मानते हैं कि ईस्टर आइलैंड के निवासी अपने आइलैंड को संसाधनों की कमी के कारण छोड़ के कहीं और चले गए। दोस्तों, एशियंट मायान सिविलाइजेशन, जिसका नाम सुनते ही दिल उत्साहित हो जाता है। निसंदेह प्राचीन मायान सभ्यता एक जानी मानी प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। सबसे ज्यादा स्वीकारा हुआ सिद्धांत यह है कि मायान सभ्यता ने सन 1800 ईसा पूर्व मेक्सिको और मध्य अमेरिका के आसपास अपनी बस्तियां स्थापित की। विद्वानों का कहना है कि मायान लोगों की सबसे विशेष उपलब्धि उनके गणित और भूगोल शास्त्र में थी, और ये माना जाता है कि मायान लोग ही सबसे पहले लोग थे जिन्होंने शून्य का प्रयोग किया था। वैसे तो पुरातात्विक समुदायों में मायान लोगों के मूल को लेकर दो सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है। उनका मानना है कि या तो मायान लोग अस्तित्व में आने के बाद स्वतंत्र रूप से विकसित हुए, या फिर वो अपने पौराणिक संस्कृति से ही सीधे विकसित हुए, जिसे ओम्लिक कल्चर कहा जाता है। आखिर मायान लोग क्यों लुप्त हो गए, ये विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। अधिकांश विद्वानों ने माना है कि इसके मुख्य कारण अकाल हो सकता है, लेकिन जंगलों का खत्म होना, भुखमरी या युद्ध की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया और रोमांचकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।